गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ मेंबर्स हाँ जी फर्स्ट अंडर द प्रोविज़न ऑफ द कंपनी एक्ट एवरी कंपनी विच हैज़ फिफ्टी मेंबर्स और मोर कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन अंडर द प्रोविज़न एवरी कंपनी जिसमें फिफ्टी या फिफ्टी से मोर देन मेंबर है उसे अपने मेंबर का एक इंडेक्स रखना होता है कार्ड uh, इंडेक्स ये जो इंडेक्स है ये कार्ड इंडेक्स की फॉर्म में हो सकता है ठीक है बट इफ़ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज मटेन्ड इन द सेप ऑफ ए इंडक्स बट एक ऐसी कंपनी जिसने मेंबर ऑफ रजिस्टर को ही इंडेक्स इंडेक्स uh, की सेप में मेंटेन्ड किया है उसे एडिशनल इंडेक्स रखने की ज़रूरत नहीं होती दोनों बातें क्लियर ठीक है एक ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर फिफ्टी या फिफ्टी से मोर देन है उसे तो रजिस्टर ऑफ मेंबर के साथ साथ अपने मेंबर का एक इंडेक्स भी रखना होगा और जो इंडेक्स है वो कार्ड इंडेक्स की फॉर्म में होगा बट एक अनदर कंपनी जिसने रजिस्टर ऑफ मेंबर को ही इंडेक्स की सेप में मेंटेन किया हुआ है उसे अलग से अपने मेंबर का इंडेक्स रखने की जरूरत नहीं होती ठीक है इन केस एनी अल्ट्रेशन इज मेड इन द रजिस्टर यानी कि अगर कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में कोई अल्ट्रेशन किया जाता है तो ये अल्ट्रेशन रजिस्टर ऑफ मेंबर में अल्ट्रेशन के विद इन फोर्टीन डेज इंडेक्स में भी ये सेम अल्ट्रेशन करना नेसेसरी होगा सेकंड, द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मस्ट कंटेन में रेफरेंस टू ईच मेंबर ऑफ द कंपनी बाय विच द रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द मेंबर कैन इमिडिएटली बी लोकेटेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स यानी कि जो इंडेक्स ऑफ मेंबर है यानी कि मेंबर का जो इंडेक्स है जो लिस्ट है उसमें कंपनी के ईच मेंबर की इंफॉर्मेशन इस तरीके से मेंशन हो कि जो कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसमें उस मेंबर की इंफॉर्मेशन इजली फाइंड हो जाए यानी कि जो इंडेक्स ऑफ मेंबर है वो किसकी तरह ट्रीट हो रहा है जर्नल की तरह और जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है वो किसकी तरह है? लेजर की तरह जैसे जर्नल प्रिपेयर करते टाइम लेजर फोलियो के लिए कॉलम रखते हैं ना मीन्स जिसमें पेज नंबर डाल देते हैं कि इस जर्नल का लेजर फोलियो इस पेज नंबर पे होगा तो ईजिली हम पर्टिकुलर एंट्री का या फिर जो जर्नल है उसका लेजर चेक कर सकते हैं ना पेज नंबर की हेल्प से सेम ऐसे ही इंडेक्स ऑफ मेंबर में ईच मेंबर की इन्फॉर्मेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी कि रजिस्टर ऑफ मेम्बर में उस मेम्बर की इंफॉर्मेशन को ईजली हम मतलब चेक कर सकते हैं इजिली वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी हाँ जी नेक्स्ट है द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मस्ट एट ऑल टाइम बी कैप्ट एट द सेम प्लेस एज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स यानी कि मेम्बर का जो इंडेक्स है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर जिस प्लेस पे रखा गया है ऑल टाइम उस सेम प्लेस पे होना चाहिए मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ मेंबर और रजिस्टर ऑफ मेंबर ये दोनों सेम प्लेस पे रखे जाएंगे नेक्स्ट ये जितने भी हमने अबो प्रोविजन स्टडी किए हैं अगर इनमें कोई भी कंपनी डिफॉल्ट पाई जाती है या कंपनी का एवरी ऑफिसर जो डिफ़ॉल्टिंग है तो वो फाइन के लिए पनिसबल होगा और फाइन कितना होगा जो फिफ्टी फिफ्टी थाउजेंड से लेस देन नहीं होगा और जिसको थ्री लैख तक एक्सटेंड कर सकते हैं हाँ जी नेक्स्ट है प्लेस ऑफ कीपिंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को रखने का प्लेस तो रजिस्टर ऑफ मेंबर को कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफिस जिस स्टेट में होगा उस सेम स्टेट में रजिस्टर ऑफ मेंबर को रखना नेसेसरी है हाँ जी इन केस द रजिस्टर ऑफ मेम्बर इज़ टू बी कैप्ट एट अ प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी अगर रजिस्टर ऑफ मेम्बर को कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में है यानी कि जिस प्लेस में है उससे डिफरेंट प्लेस पे रखा गया है तो इसके लिए पहले कंपनी को एक स्पेशल रेजुलेशन पास करना होगा जनरल मीटिंग बुला के और इस स्पेशल रेजुलेशन की एक कॉपी एडवांस में रजिस्ट्रार को डिलीवर करनी होगी तभी डिफरेंट प्लेस पे रख सकते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर को हाँ जी रजिस्टर ऑफ मेंबर को डिस्पोज करना ठीक है इसको मेंटेन रखना इसके रूल बनाना ये सभी काम किसके होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्शन नाइन्टी फोर के अकॉर्डिंग हाँ जी नेक्स्ट टॉपिक है इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स यानी कि रजिस्टर ऑफ मेंबर को कौन कौन इंस्पेक्शन कर सकता है मीन्स उसको देख सकता है तो कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर और इंडेक्स ऑफ मेंबर दोनों डॉक्यूमेंट ले रहे हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी और इंडेक्स ऑफ मेंबर्स भी एक कंपनी के कंपनी का डूरिंग वर्किंग टाइम में एटलीस्ट टू आवर यानी कि कम से कम टू आवर के लिए जो इंस्पेक्शन है वो ओपन रहेगा एवरी डे कंपनी एवरी डे जो वर्किंग डे हैं, उनमें मिनिमम टू आवर्स के लिए इंस्पेक्शन ओपन रहेगा। दिस अप्लीकेबल व्हेन द रजिस्टर ऑफ क्लोज अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट बट अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट में कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज कर दिया गया है तो ये कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी मीन्स ये कि वर्किंग डे में टू आवर्स के लिए इंस्पेक्शन के लिए रजिस्टर ओपन नहीं रहेगा नहीं रहेगा कब नहीं रहेगा जब मेंबर ऑफ रजिस्टर को क्लोज कर दिया जाएगा नेक्स्ट है द इंस्पेक्शन में बी मेड बाय एनी मेंबर और एनी डिबेंचर होल्डर विदाउट फीस कंपनी का कोई भी मेंबर या डिबेंचर होल्डर वो विदाउट फीस के इनकी इंस्पेक्शन कर सकता है बट एनी अदर पर्सन जो कंपनी का मेंबर नहीं है प्रजेंट में वो फीस की पेमेंट करके और फीस कौन सी परसक्राइब्ड फीस जो पहले से फिक्स होगी वो पेमेंट करनी होगी उसके बाद ही इंस्पेक्शन कर पाएगा अगर कोई भी मेंबर डिबेंचर होल्डर या अदर पर्सन जो करंट में कंपनी का मेंबर नहीं है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर और इंडेक्स ऑफ मेंबर की कॉपी लेना चाहता है मतलब उन्होंने इंस्पेक्शन तो कर ली बट उन्हें इनकी कॉपी चाहिए तो इसके लिए इन्हें कंपनी को एक परस्क्राइब्ड फीस पे करनी होगी उसके बाद ही कॉपी इनको मिलेगी कंपनी इनकी डिमांड के विद इन टेन डेज में इनको कॉपी सेंड कर देगी अगर कंपनी ऐसा करने में डिफ़ॉल्ट पाई जाती है मींस विद इन टेन डेज में अगर वो कॉपी सेंड नहीं करती है तो कंपनी फाइन के लिए पनिसबल होगी और वो फ़ाइन कितना होगा रुपीज़ वन थाउजेंड जिसको रुपीज़ वन लैख तक एक्सटेंड किया जा सकता है और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इमिडेटली इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर भी दे सकती है कंपनी को हाँ जी नेक्स्ट है क्लोजिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ए कंपनी में ड्यूरिंग अ ईयर क्लोज इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर आ मैक्सीम ऑफ फोर्टी फाइव डेज कंपनी डूरिंग अ ईयर टाइम टू टाइम रजिस्टर ऑफ मेंबर को मैक्सिमम फोर्टी फाइव डेज तक क्लोज कर सकती है बट वन टाइम मोर देन थर्टी डेज से रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज नहीं कर सकती यानी कि एक साथ थर्टी डेज से मोर देन डेज के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज नहीं किया जा सकता वन ईयर में टोटल कितने डेज़ के लिए क्लोज कर सकती है फोर्टी फाइव डेज़ के लिए क्लोज कर सकती है अच्छा इसकी भी कंडीशन है रजिस्टर क्लोज करने से पहले ठीक है और कितने दिन पहले एटलीस्ट सेवन डेज़ बिफोर क्लोजिंग के एटलीस्ट सेवन डेज़ बिफोर यानी कि रजिस्टर क्लोज करने से कम से कम सात दिन पहले कंपनी को ये एडवर्टीज़मेंट कंपनी का जो मतलब ऑफिस है वो जिस स्टेट में लोकेटेड है उस स्टेट के प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर में ये एड निकालनी होगी कि वो अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज करने जा रही है हाँ जी इफ इफ आ कंपनी डिफ़ॉल्ट इज मेड अगर कोई भी कंपनी ऐसा करने में डिफॉल्ट पाई जाती है तो वो कंपनी ईच डिफ़ॉल्ट डे के लिए रुपीज फाइव हंड्रेड फाइन के लिए पनिसबल होगी जिसको रुपीज वन लेख तक एक्सटेंड किया जा सकता है ठीक है थाउजेंड नहीं यहाँ पे फाइव हंड्रेड होगा अब क्वेश्चन अराइज होता है कि रजिस्टर ऑफ को क्लोज करते क्यों हैं तो कुछ कंडीशन्स होती हैं उनके लिए नेसेसरी हो जाता है इसको रजिस्टर ऑफ को क्लोज करना तो वो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं द नेसेस्टी फॉर क्लोजिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर अराइज वेन द कंपनी कोल अ जर्नल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर टू डिक्लेयर द इंटर्म डिविडेंट ऑन इट्स शेयर और टू मेक एनी कॉल ऑफ द शेयर जब कंपनी को जर्नल मीटिंग बुलानी हो तो ऐसे में कंपनी को अपने मेंबर्स को नोटिस देना होता है जब इंटर्म डिविडेंट डिक्लेयर करना हो शेयर पे ठीक है थर्ड uh, कंडीशन एनी कॉल ऑन द शेयर्स शेयर पे कोई भी कॉल करनी हो तो इन तीनों ही कंडीशंस में कंपनी को अपने मेंबर्स को नोटिस देना होता है यानी कि मेंबर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे तो ऐसे में रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज करना नेसेसरी होगा क्योंकि अगर क्लोज नहीं करेगी तो नए मेंबर आते रहेंगे और कुछ जो एग्जिस्टिंग मेंबर है वो टर्मिनेट भी होंगे तो ऐसे में कंपनी डिसाइड नहीं कर पाएगी कि कौन से मेंबर को नोटिस देना है और कौन से मेंबर को नोटिस नहीं देना इसलिए रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज करना नेसेसरी हो जाता है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर यानी कि जब रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज रहता है तो उस टाइम कोई भी शेयर होल्डर्स अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी अदर पर्सन को मींस ना तो कोई नई नई मेंबर का नाम एंटर्ड किया जाएगा और ना ही कोई एग्जिस्टिंग मेंबर टर्मिनेट किया जाएगा इस टाइम पीरियड में कौन सा टाइम पीरियड जब रजिस्टर ऑफ मेम्बर क्लोज रहेगा